नमस्कार दोस्तों, ऑल हिंदी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपसे गूगल पे में गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया और यदि आप वो पैसा रिफंड चाहते तो वो पैसा रिफंड कैसे करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मैं अपनी हिस्ट्री सी ऑल पेमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने जो भी ऑल ट्रांजेक्शन किया है वो सभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 150 रुपये का मैंने रिसेंटली मोबाइल रिचार्ज किया है जो कि एक गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया और ये पैसा मुझे रिफंड लेना है। तो मैं दोस्तों रिफंड कैसे लूंगा, यही आज के ट्रिक में, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपको अपना गूगल पे अकाउंट ओपन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हम सी ऑल पेमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिचार्ज के ऊपर जो गलत हो गया उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे रिचार्ज प्रोसेस्ड कंप्लीट राइट क्लिक बताता है कि आपका रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि सभी पेमेंट जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे हम अपने अकाउंट को जो भी हमारा पैसा लगा वो रिफंड ले सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है तो बैक कर लेना है और उसके बाद में आपको गूगल कस्टमर केयर से बात करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा एक आपके गूगल पे का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको फोन कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे तीर का निशान मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर लें और उसके बाद में 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपको गूगल पे कस्टमर केयर की तरफ से रिटर्न कॉल आएगा। आप गूगल पे कस्टमर केयर को बता सकते हो कि मैंने अपने अकाउंट से इस नंबर पर रिचार्ज किया है और वो गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया तो प्लीज़ मुझे रिफंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस प्रकार आप अपनी प्रॉब्लम जो भी है वो गूगल कस्टमर केयर से आप बता दीजिए और उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी और आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।